Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 13 जुलाई 2021 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपका किस तरह का होगा, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, कल के दिन में आपके लाइफ के अंदर क्या चेंजेस होने जा रहे हैं। पहला कार्ड ही चेंज का है। ओके, व्हाट एल्स? पीस, सेल्फ एस्टीम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर परसिवरेंस का कार्ड है। ओके, अब इस डेक से देखते हैं कल के दिन पर क्या चेंजेस होने जा रहे हैं आपके जीवन में। ओके, द रिबेल का कार्ड, इंटेंसिटी का कार्ड, पास्ट लाइफ्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्लोइंग डाउन का कार्ड है। देखिए, कल से जिंदगी में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो कि आपकी लिमिटेशंस को तोड़ रहे हैं। जो बीता हुआ कल है उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप अपने लिमिटेशंस को तोड़कर बाहर निकलेंगे, अपने सोच को बड़ा करने वाले हैं, आप एनलाइटनमेंट के साथ आगे की तरफ को बढ़ने वाले हैं। वो ही चेंज की एनर्जी मुझे कल के दिन में नजर आ रही है। ठीक है, कल के दिन आप बहुत सारी चीजों को लेकर अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी जिंदगी के अंदर जो ये चेंज है, ये सकारात्मक चेंज है, इससे आपकी जिंदगी को लेकर एक अप्रोच में चेंज होने जा रहा है और आप अपनी जिंदगी के प्रति पैशनेट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप काफी इंटेंसिटी के साथ अब आगे बढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगला कार्ड आपके लिए इंटेंसिटी का ही है। इंटेंसिटी से चेंजेस होंगे आपकी जिंदगी के अंदर और एक शांति एस्टैब्लिश होने वाली है। आपको हर एक चीजों के कारण पता लगने वाले हैं कल के दिन पर, चाहे ये चीज आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड है, चाहे आपके करियर से रिलेटेड है, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। कल उस चीज के अंदर एक बहाव आपको नजर आएगा और जैसे जैसे चीजें आगे की तरफ को बढ़ेंगी आपको अंदर से शांति और सुकून का एहसास कल के दिन पर होगा। कल के दिन आप अंदर से एक कामनेस को फील करेंगे, कंटेंटमेंट की एनर्जी आपको कल के दिन पर फील होने वाली है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा आप फील करेंगे कि आपको खुद से क्वेश्चन होने लगेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आज इतना पॉजिटिव है। ठीक है, कल के दिन पर आपकी जो इंटेंसिटी के चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, जो चीजें होंगी बहुत स्पीड से होने शुरू हो जाएंगी। कल से जो वक्त का चक्र है आपके लिए वो तेज होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून कल से तेज स्पीड पर घूमने वाला है। ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, आपने जिन जिन लोगों को माफ किया है, मैंने फॉरगिवनेस की एनर्जी में एक्सप्लेन किया था, उससे आपको एक कंटेंटमेंट की एनर्जी तो डेफिनेटली फील होगी। दूसरा, आप सेल्फ एस्टीम फील करने वाले हैं। कल के दिन आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत काम करेंगे, आपको अंदर से खुशी होगी, आप अंदर से ये फील करेंगे कि ठीक है, मैंने अपनी कंटेंटमेंट के लिए अगर ये डिसीजन अपनाया है कि हाँ मुझे दूसरे इंसान को माफ करना है और पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो होना डेस्टिनी में लिखा था, तो आप बहुत ही ज्यादा इस कंटेंटमेंट को फील करेंगे। कल आप अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत प्राउड खुद पर फील करेंगे कि मैंने अपने लिए कुछ किया। कल की एनर्जी कुछ इस तरह की होने वाली है। आपकी सोल के क्या गिफ्ट्स हैं कल आपको कुछ उस तरह से भी पता लगेगा और जो आप करते जा रहे हैं ना आप वो करते रहिए। ठीक है, आपके लिए चीजें स्लो नहीं होने वाली हैं, आपके अंदर बदलाव आने वाले हैं। अभी तो वक्त में बदलाव है, कुछ टाइम में आपके अंदर भी कुछ ऐसे बदलाव आएंगे जब आपको हर एक चीज के मतलब पता लगने शुरू हो जाएंगे। अब आप हर एक वो चीज कल के दिन पर कर सकते हैं जिसके लिए आपने अपना माइंडसेट किया है। कल के दिन पर अगर आप किसी रिश्ते को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं अपने पार्टनर से, आप वो पूछ सकते हैं क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर होने वाला है चीजों को लेकर। ठीक है, कल के दिन पर चीजें स्लो नहीं होंगी बल्कि इंटेंसिटी उनकी बहुत शार्प होगी। हो सकता है कि चीज अगर कोई स्लो होती भी है और तो वो शार्पनेस ज्यादा क्रिएट करे,
ऐसा हो जाता है ना कि चीजें धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन जो उनकी चोट होती है वो बहुत गहरी हो जाती है। तो कल आप किसी को चोट नहीं पहुंचाने वाले हैं, बल्कि आपकी एनर्जी में इतनी स्ट्रांग इंटेंसिटी होगी कि कोई इंसान आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा, कोई इंसान आपसे कुछ छुपा नहीं पाएगा। जिसने अपने मुंह पर मुखौटा लगा रखा है वो मुखौटा उतर जाएगा। कल के दिन आप दूसरे के सामने अपनी किसी चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर नहीं आ रहे। कल के दिन आप अपनी एक कंटीन्यूअस लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे। कल के दिन आप अपने बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो चीजें बहुत अच्छी डायरेक्शन में कल के दिन पर मूव होती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, मतलब बहुत जुलाई से जब से एनर्जी स्टार्ट हुई है बहुत सही डायरेक्शंस में एनर्जी फ्लो कर रही है। सो कल का दिन ट्यूजडे का दिन है, हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाइए, ठीक है, और वहां पर आप प्रसाद ले जाइए, बूंदी का प्रसाद होता है वो प्रसाद चढ़ाइए। आप कल के दिन आप लाल कलर की चीज का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, आप लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, सिंदूर दान आप मंदिर में करेंगे, ठीक है। और कल के दिन आप ब्लड रिलेटेड कोई भी दान कर सकते हैं, मतलब अगर रक्त दान करना चाहते हैं वो आप कल के दिन पर कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। गुड़ का दान अगर आप करना चाहते हैं ना तो किसी गाय को खिलाइए, किसी लाल रंग की गाय जो होती है उसको गुड़ खिलाइए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और कल के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उससे ये जो पीस की एनर्जी है ये काफी बढ़ेगी। कल के दिन हेल्थ में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं कल के दिन, वो बहुत अच्छा है, इंटरव्यू देना चाहते हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं उसके लिए। कल के दिन पर ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट से कोई इंसान आकर अपने आप को आपके सामने सरेंडर करे। वहां पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको उस इंसान को माफ कर देना चाहिए, लेकिन उसकी बात सुनकर आप कैसा फील करते हैं उस अकॉर्डिंग अपनी सेल्फ एस्टीम को ऊपर रखते हुए डिसीजन बनाइएगा, ठीक है। किसी को अपनी गलती का एहसास हो सकता है, कल किसी के साथ ऐसा कम्युनिकेशन हो सकता है जिस कम्युनिकेशन को आप पहले बनाना चाहते थे और अब आप नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसे किसी इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन कल के दिन पर हो सकता है। सो कल की एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं, आई होप आप इन एनर्जीज को चैनलाइज कर पाएंगे कंप्लीटली। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।